अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हैदराबाद में बीडीएल कंपनी की गोल्डन जुबली तकरीब, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने डॉक्टर कलाम के मुजस्मे की नकाब कुशाई। गवर्नर नरसिम्हन ने किया जनूबी हिंद के पहले सिमुलेशन कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह, रियासती गुजराई राजेंद्र और मल्ला रेड्डी ने की शिरकत। NIT श्रीनगर से तलबा की महफूज वापसी के लिए मुकम्मल ताउन, KTR ने ट्वीट कर तलबा और सरपरस्तों को दिया तय खून। जी सुकेंदर रेड्डी MLC इंतखाब के लिए TRS के उम्मीदवार, चीफ मिनिस्टर KCR ने किया नाम का ऐलान। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, आम जिंदगी मफलूज, सूरत हाल से निमटने के लिए GHMC तैयार। मुंबई और थाने में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल, नशीबी और रिहायशी इलाकों में पानी, हाई अलर्ट जारी। और अब खबरों की तफसील। भारत डायनामिक्स लिमिटेड कैंपस यानी BDL में हफ्ते के रोज साबिक सदर जमहूरिया व हिंदुस्तान के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के मुजस्मे की नकाब कुशाई को अंजाम दी गई। BDL की गोल्डन जुबली तकारीब में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर कलाम के मुजस्मे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इसके अलावा उन्होंने जलनिधि सोलार पावर प्लांट और मिसाइल स्टोरेज बिल्डिंग का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया को ये बताने में कामयाब रहा है कि आतंकवाद जैसे मसले पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के अलावा कुछ नहीं चलता। राजनाथ सिंह ने कहा कि BDL की सलाहियतों की वजह से हम बैरूनी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात आती है तो दुनिया उसे जारहियत के तौर पर देखती है, लेकिन भारत उसे अमन का माहौल बनाए रखने के तौर पर देखता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम डर पैदा करते हुए हुकूमत चलाने में यकीन नहीं रखते। वजीर दिफा का कहना था कि दिफाई शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी से हम 5 ट्रिलियन की मईशत बना सकते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अंदरून मुल्क तैयार करदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुसल्ला अफवाज की जदीदकारी हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान साल 2025 तक दिफाई बरामदात में एक काबिल एहतराम मुकाम तक पहुंच जाएगा। उन्होंने BDL से कहा कि वो इस मुकाम के हुसूल में अहम रोल अदा करें। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी दिफाई पॉलिसी 3-पॉइंट फार्मूले पर काम करती है। सबसे पहले एतदाल पसंदी, दूसरा किसी की जरूरतमंदी पर सबर, और उस पर भी बात ना बने तो दुश्मन को तबाह कर देते हैं। आपत्ति न हो तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, मेरे परिवार के सभी सदस्य बहन भाइयों ऐसा इसलिए मैंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में जब कभी मैंने किसी मंत्रालय को चलाया है अथवा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी मैंने संभाली थी, उस समय प्रदेश की सरकार चलाई थी, तो मैं सरकार लोगों के दिलों में दहशत पैदा करके कभी सरकार नहीं चलाई है, बल्कि सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानकर ही मैंने सरकार चलाई है। हैदराबाद के कोमपली में वाक़ GV के EMRI के मरकज़ी कैंपस में रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने एमरजेंसी के सिमुलेशन कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर इटेला राजेंद्र, मल्ला रेड्डी के अलावा मुतालिका अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए गवर्नर नरसिम्हन ने कहा कि इस सिमुलेशन का इफ्तिताह तारीखी इकदाम है। उन्होंने कहा कि मेडिकल सेक्टर में टेक्नोलॉजी का होना वक्त की अहम ज़रूरत है। वहीं रियासती वज़रा ने कहा कि जनूबी हिंदुस्तान में पहली मरतबा हैदराबाद में सिमुलेशन कॉम्प्लेक्स का क़याम अमल में लाया गया है। हैदराबाद को मेडिकल हब बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में बेहतर और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सहूलियात फराहम की जा रही है। NIT श्रीनगर में ज़ेर तालीम तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की जानिब से मदद की अपील पर रद्दअमल जाहिर करते हुए तेलंगाना हुकूमत ने उनकी महफूज तौर पर रियासत वापसी के लिए मुमकिन ताउन का फ़ैसला किया है।
तेलंगाना के साबिक वजीर वो टीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने इस सिलसिले में की गई अपील पर ट्विटर के जरिए रद्द अमल जाहिर किया और तलबा को तमाम तरह की मदद की यकीन दहानी करवाई है। केटिया ने कहा कि उन्हें एनआईटी श्रीनगर में ज़ेर तालीम तेलुगु तलबा से पास परेशान कुन पयामात मौसूल हुए हैं क्योंकि हुकूमत हिंद ने कैंपस को खाली करने और तलबा से फौरी चले जाने की ख्वाहिश की हैं। उन्होंने इन तलबा की रियासत वापसी के लिए हर मुमकिन मदद का तय खून दिया है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि साबिक रुकन पार्लियामेंट जी सुकेंदर रेड्डी को इस माह के अवाइल में होने वाले एमएलसी इंतखाबात में उम्मीदवार बनाया जाए। चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को सुकेंदर रेड्डी को हिदायत दी है कि वो रियासती कानून साज कौंसिल में एमएलए कोटे के तहत पुर किए जाने वाली एमएलसी नशीस्त के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करें। सुकेंदर रेड्डी ने वजीर आला से उनकी क्यामगा प्रगति भवन में मुलाकात की और उम्मीदवार बनाने के फैसले पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो सिद्दीपेट जिले में अपने आबाई गांव चिंतामड़का की तरह हर गांव के हर खानदान को 10 लाख रुपए के फवायद मुहैया करें। हैदराबाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने कहा कि वजीर आला के पास जिन्ना छेर स्वामी के दर्शन, अपने दोस्तों से मुलाकात और दीगर सरगर्मियों के लिए वक्त हैं, लेकिन हाजीपुर के महलुकीन के ख़ानदानों को पुरसा देने के लिए वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की जांच में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस के लीडरान से अपील करते हुए 15 अगस्त से पहले हाजीपुर जाकर इस मसले पर हुकूमत की तवज्जो मरकूज़ कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत से इस मामले की जल्द तहकीकात कराने का मुतालबा किया। हम चाहते हैं, 4 महीने पहले हुआ ये इंसिडेंट हाजीपुर में, 3 खवातीन छोटे बच्चे 12 साल 14 साल के बच्चों को ले आकर रेप करना, मर्डर करना, श्रीनिवास रेड्डी बोलने वाला, आज तक केस चल रहा, मगर मद्रास में एक ही आदमी को 2 मरतबा हैंगिंग का, मतलब पूरी शिक्षा, मतलब हैंगिंग करने का काम कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी बराबर है बोले। हम चाहते हैं, केसीआर हर जगह जा रहा, साधुओं के पास जा रहा, अपने रिश्तेदार मर गए तो जाता, और निरंजन रेड्डी की माँ मर गई तो महबूनर जाता, मगर यहाँ आने को उनको टाइम नहीं है। मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ गरीब के साथ अन्याय होता, गरीब के साथ अत्याचार होता, जैसा प्रियंका गई उत्तर प्रदेश में, वैसी हम जाना वहाँ बैठना। हम पीसीसी प्रेसिडेंट से मेरी गुजारिश है, उन्नाव का इश्यू देश भर में और पब्लिक में आ गया, वायरल हो गया, मगर हाजीपुर का कोई किसी को पता नहीं। 3 खवातीन छोटे छोटे बच्चों को रेप हुआ, मगर देश भर में किसी को पता नहीं है। तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो नल्लामल्ला जंगलात में यूरेनियम की कानकनी के खिलाफ जद्दोजहद करने वालों से मुलाकात करके उनकी ताइद करना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें हाजीपुर जाते हुए रोक दिया और हिरासत में ले लिया। పరిశీలనకి జే నుంచి బయలుదేరిన అయితే ఇక్కడికి రాగానే హాజీపూర్లో అసంతోట వద్ద నుండి హాజీపూర్లో పోలీసులు అటకాయించారు, నక్సలైట్లు ఈ అమరవీరుల వారోత్సవాలు ప్రకటించారు, దానివల్ల మీకు ప్రమాదం జరగవచ్చు అని చెప్పి మమ్మల్ని మేమేమన్నామంటే కనీసం మమ్మల్ని మన్ననూరు దాకా పోనీయండి, అది శ్రీశైలం వెళ్ళే మెయిన్ రోడ్డు మీద, అక్కడైతే ఏం ప్రమాదం ఉండేది కదా, అక్కడ పోవటానికి ఏముంది, ఇంకా అక్కడ వచ్చేటువంటి బాధ్యులు అందరితో కూడా ఈ యురేనియం వ్యతిరేక ఉద్యమకారులందరితో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటామని చెప్పి అక్కడ, కానీ అక్కడికి కూడా పోనివ్వకుండా వాళ్ళు ఇక్కడనే అటకాయించారు। शहर हैदराबाद में बारिश की वजह से कई सड़कें झील में तब्दील होने के साथ साथ खस्ता हाल हो गई हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सूरत हाल से निपटने के लिए 150 एमरजेंसी टीमें तैनात की हैं। ये बात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर दाना किशोर ने हफ्ते की सुबह मीडिया से कही। उन्होंने ये भी बताया कि बारिश की वजह से ड्राइवरों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सड़कों पर बने गढ़ों को मिटाया जा रहा है।
जबकि सड़कों पर पानी जमा ना होने को यकीनी बनाने के लिए भी ज़रूरी इकदाम किए जा रहे हैं। काबिले जिक्र है कि दाना किशोर ने हफ्ते के रोज़ सुबह के वक्त अहदेदारों के हमरा बेगमपेट परेड ग्राउंड सिकंदराबाद कुआड़ीगुड़ा आरटीसी क्रॉस रोड और दीगर इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर दाना किशोर ने खिताब करते हुए कहा कि शहर में गुज़िश्ता 48 घंटों से बारिश हो रही है जिसकी वजह से सड़कें खुश्क होने में वक्त लग सकता है, फिर भी सड़कों पर बने गढ़ों को बुझाने का काम जंगी पैमाने पर जारी है। उन्होंने कहा कि शहर के हर जोन में दो अफसर मुकर्रर किए गए हैं, लम्हा ब लम्हा सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। वर्षम दादापू 48 अवर्स कंटिन्यूस वस्तु सन्ग पड़ता मन की एंड उड़ी काबी ड्रई अने चांस उ अब मन ड्रई अ कंटे दिन पैन मन को शेल बैग अने बैग दिखा मन अभी वे रूम रोज अलर्ट टीम से बट इनसे ट्रेन एक्सपेक्ट निर्णय आफीस आफीस बीबीएन न्यूज़ में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।